हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्टी जोन फॉर स्मार्ट आंसर। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी जेई सीबीटी 2 2019 की, यहाँ पर बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको यहाँ पर बताया था बेसिक ऑफ कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चन, तो आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट से कुछ क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 500 प्लस के सीरीज चल रही है, यहाँ पर 500 प्लस क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो आज पार्ट टू यहाँ पर मैं आप सभी के लेके सामने लेकर आया हूँ, ठीक है गाइस। तो पार्ट टू आज हम लोग करेंगे 500 प्लस सीरीज की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और पहली बार मेरे चैनल पर आया विजिट कर रहे हो, पहली बार मेरे चैनल को, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। तो क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। पल्सेस कंसिस्ट ऑफ ब्रॉड रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज, बी इज पिच एंड सी इज एम्पलीट्यूड एंड डी इज टॉस। सो आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन बताना है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो आपको यहाँ पर याद रखना है फ्रीक्वेंसीज आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका यहाँ पर क्या हो गया, राइट ऑप्शन हो गया। अब हम लोग यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इन अ मॉडर्न सिटी ट्रैफिक नॉइस कैन बी रीच्ड एट, ऑप्शन ए यहाँ पर दिया गया 90 dB, ऑप्शन बी यहाँ पर दिया गया 10 dB एंड ऑप्शन सी यहाँ पर दिया गया 30 dB एंड ऑप्शन डी यहाँ पर दिया गया इट कांट बी कैलकुलेटेड। तो आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन बताना है कि यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। सो राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 90 dB इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, नॉइस सोर्स आर फाउंडेड, ऑप्शन ए स्पेशली एट अ होम इन ऑफिस वर्क प्लेस एंड ऑप्शन बी इन नेचर एंड ऑप्शन सी इज वाटरफॉल एंड ऑप्शन डी इज इन स्पेस। तो आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन बताना है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए स्पेशली एट अ होम इन ऑफिस वर्क प्लेस एंड ऑप्शन ये आपके यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। स्पेशली एट द होम इन ऑफिस वर्क प्लेस ये आपके यहाँ पर क्या हो गया, राइट ऑप्शन हो गया। अब यहाँ पर चलते हैं, नॉइस पोल्यूशन ऑफ कंट्रोल, नॉइस पोल्यूशन ऑफ द एनवायरमेंट इज एक्टिविटी इन्वॉल्व इन। तो क्वेश्चन नंबर फोर आपको यहाँ पर आ चुका है। तो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया रूरल एनवायरमेंट एंड ऑप्शन बी स्पेस सिक्योरिटी इशू ऑफ ह्यूमन बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल एंड ऑप्शन सी अर्बन एनवायरमेंट एंड ऑप्शन डी एवरी बॉडी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं, हेयरिंग लॉस इज अ पॉसिबल एट इंटेंसिटी ऑफ, ऑप्शन ए यहाँ पर दिया गया 7 dB, ऑप्शन बी दिया गया 90 dB एंड ऑप्शन सी दिया गया 45 dB एंड ऑप्शन डी यहाँ पर 70 dB दिया गया। तो आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन बताना है। सो राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा गाइज, यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाने वाला है ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है, 90 dB। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सोइल पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय, ऑप्शन ए एरोसोल एंड ऑप्शन बी ओजोन एंड ऑप्शन सी एसिड एंड ऑप्शन डी पैन। तो आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन बताना है, PAN यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एरोसोल, ओजोन, एसिड रेन, PAN, आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन बताना है कि यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपके यहाँ पर राइट हो गया, ठीक है। नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, BOD स्टैंड फॉर, तो ऑप्शन आपको दिया गया बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिक्रीज, ऑप्शन सी बायोटिक ऑक्सीजन डिमांड एंड ऑप्शन सॉरी ऑप्शन बी था बायोटिक ऑक्सीजन डिमांड एंड ऑप्शन सी था बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन बताना है। सो गाइज, ऑप्शन सी आपको यहाँ पर राइट हो जाएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नॉइस पोल्यूशन इज अ ह्यूज साउंड, बी अ साउंड ऑफ व्हीकल एंड सी अ अनडिजायरेबल एंड अनवांटेड साउंड एंड ऑप्शन डी इज साउंड ऑफ क्रैकर। सो विच वन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, अनडिजायरेबल एंड अनवांटेड साउंड इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द वाटर एक्ट वाज इनकैडेड इन, इनएक्टेड इन, इनकैडेड नहीं इनएक्टेड इन, ठीक है, एक्ट वाज इनएक्टेड इन। तो आपको बताना है यहाँ पर राइट ऑप्शन 1973 एंड ऑप्शन बी इज 1974 एंड ऑप्शन सी इज 1972 एंड ऑप्शन डी इज 1976। सो विच वन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन।
सो यहाँ पर जो आंसर आपको याद रखना है, ईयर जो याद रखना है, ये क्या ये ऑप्शन बी आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। 1974 इज़ द राइट ऑप्शन। नाउ लाउड नॉइज इज़ वेरी डेंजरस टू अ बिल्डिंग, ब्रिज, मोमेंटम, ऑल ऑफ दिस। तो आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन बताना है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का गाइज राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुकी है। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन के यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस आपका यहाँ पर क्या होगा, लास्ट यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो, ठीक है गाइस। पसंद आए तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब कर लो चैनल को पहली बार आए हो तो, और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ ताकि सबके पास ये वीडियो पहुँच सके। तो PDF आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, PDF आप जरूर डाउनलोड कर लेना। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो और 500 प्लस की सीरीज़ भी आप सभी को अच्छे से पसंद आया हो, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, एक वीडियो में 100 क्वेश्चन भी करेंगे, और 500 प्लस करना है तो 500 प्लस से भी ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, 500 से भी ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, बिजनेस स्मार्ट एजेंट फॉर स्मार्ट एंड।